90 के दौर के मशहूर अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी को कैसे भूला जा सकता है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। सुनील शेट्टी की बात करें तो अपने किरदार में ये पानी की तरह ढल जाते हैं। जितनी भी इनकी फिल्में आई है उन फिल्मों में हमें इनकी बेहतरीन अदाकारी भी देखने को मिली है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक है जिनको लेकर हमेशा से ही चर्चाएं की जाती हैं और अपने किरदार को भी लेकर काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। साथ ही उनके डायलॉग्स की भी काफी ज्यादा चर्चाएं की जाती हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको सुनील शेट्टी के फिल्मों से जुड़े 10 बेहतरीन डायलॉग्स के बारे में बताने वाले हैं। या यूं कहें कि आंखों में बाल्टी भर आंसू लिए अंजलि अंजलि चिल्लाने वाले सुनील शेट्टी के 10 दिलचस्प डायलॉग्स कौन से थे। और इसकी शुरुआत हम धड़कन फिल्म से करेंगे, वही धड़कन जिसमें शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी देखने को मिली। शिल्पा और सुनील के प्यार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। साथ ही इस फिल्म से जुड़े गाने व डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर रट गए। इसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं धड़कन फिल्म का वो कौन सा डायलॉग था जिसे बोलने के बाद सुनील शेट्टी को आज भी याद किया जाता है। इसमें कहते हुए नजर आते हैं सुनील शेट्टी, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। धड़कन फिल्म का ये डायलॉग ऑल टाइम फेवरेट है। इसी कड़ी में रिफ्यूजी फिल्म से जुड़ा उनका एक और भी बेहतरीन डायलॉग है जो आज भी काफी ज्यादा फेमस है। इसमें सुनील शेट्टी कहते हुए नजर आते हैं, मोहब्बत करने वाले कभी मोहब्बत के दुश्मन नहीं होते। और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन से ज्यादा सुनील शेट्टी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। अब तीसरी फिल्म से जुड़ा उनका डायलॉग की बात करें तो ये दिलवाले फिल्म थी। जिस फिल्म के डायलॉग में सुनील शेट्टी कहते हुए नजर आते हैं, दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को पहली बार देखा है। रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और अजय देवगन स्टारर इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और ये डायलॉग आज भी काफी ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं चौथे बड़े डायलॉग की और ये डायलॉग जुड़ा हुआ है बॉर्डर फिल्म से। वही बॉर्डर फिल्म जिसमें सुनील शेट्टी एक सैनिक बनकर सभी लोगों पर भारी पड़े थे। इसमें सुनील शेट्टी कहते हुए नजर आते हैं, मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है और बॉर्डर फिल्म के इस डायलॉग को लोग आज भी याद करते हैं। पांचवा सबसे बड़ा डायलॉग कहर फिल्म से जुड़ा हुआ है जहां पर सुनील शेट्टी कहते हुए नजर आते हैं कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा दूसरे गुंडे को जमानत पर ले जाने आया है और कहर फिल्म के इस डायलॉग ने उन दिनों कहर बरपाया था। अब छेवें फिल्म की डायलॉग की बात करें तो ये फिल्म हेरा फेरी से जुड़ा हुआ है। ये वही फिल्म थी जहां पर सुनील शेट्टी पहली बार कॉमेडी जोन में गए थे और यहां पर भी उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े। इसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, कबीरा स्पीकिंग, कोई भी होशियारी की तो तेरे कुत्ते के टुकड़े कर करके तेरी पोती को खिला दूंगा, मतलब तेरी पोती के टुकड़े कर करके तेरे कुत्ते को खिला दूंगा। हेरा फेरी का गुदगुदा हुआ यह डायलॉग आज भी काफी ज्यादा फेमस है। सातवीं फिल्म की बात करें तो आपकी खातिर का डायलॉग काफी ज्यादा फेमस रहा जिसमें सुनील शेट्टी कहते हुए नजर आते हैं, प्यार है तो झगड़ा है, झगड़ा है तो प्यार है और झगड़ा प्यार को और भी तगड़ा करता है। इसी के साथ ही आठवीं फिल्म की बात करें तो ये सलमान खान स्टारर फिल्म जय होती जहां पर सुनील शेट्टी का दमदार डायलॉग हमें देखने को मिला। सुनील शेट्टी इस फिल्म के डायलॉग में कहते हुए नजर आते हैं, एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं निकाल सकते। हालांकि इस फिल्म में सुनील शेट्टी का एक छोटा सा कैमियो अपीयरेंस था। इसी के साथ ही नौवें बड़े डायलॉग की बात करें तो धड़कन फिल्म का क्लाइमेक्स सीन तो आपको याद ही रहा होगा जहां पर सुनील शेट्टी कहते हुए नजर आते हैं, तुम्हारा नाम राम है, राम बनकर जिए हमेशा, मैं देव देवता बनने की कोशिश की लेकिन इंसान भी नहीं रहा। और इस डायलॉग को सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। इसके साथ ही दसवां और आखिरी उनका सबसे बड़ा डायलॉग रहा है बॉर्डर फिल्म से। बॉर्डर एक मल्टी स्टार फिल्म थी जहां पर सनी देओल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े कलाकार थे। जैकी श्रॉफ का भी इस फिल्म में एक अहम किरदार था और इसी फिल्म से जुड़ा इनका एक डायलॉग भी काफी ज्यादा फेमस रहा जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, ये धरती मेरी माँ है और कोई मेरी माँ के सामने नजर उठा के देखे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इस डायलॉग को भी बॉर्डर फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद किया। तो दोस्तों ये थे सुनील शेट्टी की फिल्मों से जुड़े 10 बेहतरीन डायलॉग। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी सुनील शेट्टी के फैन हैं और आपको भी अगर इन 10 में से डायलॉग्स कोई भी पसंद आया है तो कमेंट कर अपना वो डायलॉग जरूर हमें बताएं।